आप व्यापारी हैं जो आपके अपने हैं, आप व्यापारी हैं ना? अच्छा ये आपने झूठ नहीं बोला, बात करने सच में करने, जानवर व्यापारी से सस्ता मिलता है या गाँव के लोगों से सस्ता मिलता है? सही जो है ना व्यापारी से मिलता है। अच्छा जो गाँव के लोग लेके आते हैं उनसे सस्ता नहीं मिलता? अनाड़ी होते दे देते हैं वो। अच्छा आप गाँव के लोगों से लेते हैं जब व्यापारी से जानवर लेते हैं? गाँव के लोगों से नहीं लेते? अच्छा और देखिए मेरे भैया आपके सामने वो कहता है जो नया बंदा होता है गाँव के लोग आते हैं ना उससे मुनासिब मिल जाता है, मिल जाता है ना? तकरीबन कितना सस्ता मिलता है? 5-10 हज़ार जमा सस्ता मिलता है। ये तो जो परदेश आते ना उनके लिए फायदा है या नहीं है? जब व्यापारी से लेके जाए फायदा है। देखे अगर जो गाँव के लोग आते हैं ना 10,000 जमा सस्ता देते हैं, मिल जाते ना? अगर ठीक है ना, ठीक मेरी बात सुना, गाँव के लोग आते हैं उन्होंने 10,000 जमा सस्ता देते हैं, पक्की बात देते हैं? हाँ ठीक है ना। अच्छा जो आप जो सेल करते हैं ना वो 2,000 रुपये कीमत मुनाफा लेते हैं? ठीक है, नहीं इधर की बात कर रहा हूँ मैं, 12,000 जमा ऊपर चला जाएगा ना, ऐसे ही है ना? गाँव के लोगों से 12,000 जमा सस्ता मिलेगा, व्यापारी से 12,000 जमा महंगा मिलेगा, मैं यही पूछ रहा हूँ बस। और देखें आपके सामने गाँव के लोगों से 12,000 खुद व्यापारी कह रहे हैं जमा सस्ता मिलता है, और जो व्यापारी होता है ना उससे थोड़ा जामर महंगा। अच्छा मेरे भाई, और सबसे जो बड़े और हैवी क्वालिटी के जामर है ना वो मैं आपको डेरा गाजी खान की मंडी से मैं आपको दिखाने लगा हूँ। सिर्फ वीडियो मुकम्मल देखनी होगी इनकी, मैं आपको ना तफसील पूरी आपको डिटेल आपको बताऊंगा। इतना बड़े माशाल्लाह ये जामर कौन सी मंडी पर आज आए हुए हैं देखते हैं पूरी डिटेल इंशाल्लाह, मालिक से पूछ के आगे आपको बताऊँगा ये जामर और या डेरा गाजी खान की मंडी पर सेल हुए हैं या नहीं हुए, जा ये गांव के लोगों से जामर हैं जहाँ व्यापारी के जामर हैं, ये कहाँ पे लेके आगे लोग जाके ले इनको सेल करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में ना पूरी लोकेशन में आपको डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। मेरे भी आप एक एक बात आपको समझ आ सके, इनमें उम्र भी आपको पूछ के बताऊंगा, वजन भी बताऊंगा। ये चाहता हूँ मेरे भाई आप अगर 2, 4, 5, 10, 15 जितना भी जामर लेने हैं ना, आप छोटे लेने हैं या बड़े लेने हैं, आप यही साइज लें यही नस्ल रखें ताकि आपको रोज़ी मिल जाए अपने बच्चों के लिए मेरे भाई। बाकी इनकी पूरी तफसील पूछेंगे, इनके वज़न के हवाले से भी बात करेंगे और इनकी और नस्ल के हवाले से भी बात करेंगे, इनकी उम्र के हवाले से भी बात करेंगे, पूरी डिटेल मैं आपको पूछ के बताऊंगा। ये देखें बहुत हैवी हैवी क्वालिटी के अलहमदिल्ला आज जामर हुए भारी वजन के माशाल्लाह। बाकी वीडियो मुकम्मल देखने ना आपने रेट सुनना होगा, रेट में क्या फ़र्क है, आपको पंजाब से क्या रेट मिल रहे हैं और यहाँ के डेरा गाजी में क्या रेट मिलने लगे हैं, और इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको और भाई से भी पूछ के मिलवाता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखना इंशाल्लाह आपको मतलब, इसमें दो किस्में हैं मेरे भाई, इसमें एक जो है ना लाखार है, दूसरा जो है ना कक्कार है। कक्के की भी आपको पहचान करवाऊँगा और लाखे की भी आपको पहचान करवाऊँगा इंशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा मेरे भाई। अगर जानवर लेना है ना अभी से खरीदारी कर, अभी रमज़ान शरीफ में मुझे उम्मीद है मेरे भाई रेट आपको मुनासिब मिलने लगे, मुनासिब इंशाल्लाह मेरे भाई आपको रेट यहाँ से इंशाल्लाह मुनासिब इंशाल्लाह रेट मिलेंगे। बाकी भाई से पूरी तफसील भी लेते हैं, मालिक से मिलते हैं, मालिक और ये जो खड़ा हुआ है और इससे मालिक से भी मिलते हैं, मालिक क्या कहता है इंशाल्लाह जो मालिक है उसके सामने और उसके मुताबिक इंशाल्लाह बात करूंगा। मेरे भाई वैसे जहां भी तुम्हारा दिल मुतमैन है आप उधर से ख़रीदारी यार कर लिया करो, लाजमी नहीं, मैं ये नहीं चाहता मेरे भाई आप आए लाजम मुझसे आके ख़रीदारी करें, ऐसा वैसा ऐसा मेरा कोई सीन नहीं है। अच्छा मेरे भाई ये देखें, सबसे पहले मैं आपको कोशिश करता हूँ एक एक करके आपको दिखवाता हूँ ताकि आपको सही तरह से चीज़ समझ आ सके, वाद नज़र आ सके मेरे भाई। ये देखें सबसे पहले आपको आप ना इसका नकोड़ा आप इनका फेस देखना होगा मेरे भाई, और काफ़ी दोस्त भूल जाते हैं, आप हमारी वीडियो देखते हैं ना, आप हमारी वीडियो देखते हैं ना आप यहाँ पे किसी के हाथ में चढ़ जाते हैं या किसी कमीशन कोर के हाथ में चढ़ जाते हैं, फिर आप काटू दोगला जामर लेके जाते हैं, फिर वो आपको जामर महंगा लग सकता है मेरे भाई, आपको जामर रोजी भी नहीं दे सकता। ये देखिए एक एक करके देखा तो, बाकी इनसे भाई से पूछेंगे ये कहाँ पर लेके जाएगा, इनकी क्या डिमांड करता है, इनका वज़न क्या है, और इंशाल्लाह तफसील आपको बताऊँगा भैया। अच्छा ये बताएँ कौन सी नस्ल है? मुंद्रा। और ये लाखे में आ रहा है कक्के में आ रहा है? कक्के में आ रहा है। मुंह से क्या है? मुंह से दो दिन। इनका लाइव वेट और इनका जिंदा वजन क्या होगा? 110 किलो। अच्छा इनका लाट के हिसाब से रेट बताएंगे मेरे भी, एक एक करके पूछेंगे बताएंगे मेरे। अच्छा टोटल जामर कितने हैं यार? हाँ जी 14 जानवर। अच्छा पहले नंबर पे ये जमर आ गया, अगर इनमें एक या दो लेना है ना मेरे भाई उनका स्क्रीन शॉट लेके सेंड करें, एक दो भी कार्गो हो जाएंगे, आना जाता है ज़्यादा बेहतर, ये खुद आके आप
इंशाल्लाह मज़े की बातें लेके जाएं। बाकी नंबर ये दो पे आपको दिखा रहा हूँ, दिखाएं यार एक एक करके। और नंबर ये दो पे आपको दिखा रहा हूँ, ये भी चीज़ मेरे भी आप ये देखनी होगी। और इसका भी यार इसका क्या वजन होगा, 100 किलो 90 किलो बता रहे मुँह से क्या है। अच्छा यार सच में बात करना है, ठीक है ना, रमज़ान शरीफ में अभी रेट मुनासिब है जब महंगे हैं, मुनासिब है वो, इसका क्या रीज़न क्या वजह है ब्रेक? ईद नज़दीक आएगी, फिर ईद नज़दीक आएगी जामर भी ज़्यादा आएगा नहीं, अगर रमज़ान शरीफ के बाद ईद नज़दीक आएगी ना जामर भी ज़्यादा आ जाएगा, फिर मोल जब जानवर ज़्यादा तो मोल क्यों ज़्यादा होगा। अच्छा और अच्छा ये भी दिखा दो, कितने बेचते हो? कहाँ पे? गुजरांवाला। अच्छा इस भाई से ना पूरी तफसीर पूछूंगा, गुजरांवाला कहाँ पे सेल करता है? अगर ये आपके इलाके में आके सेल करता है अगर इससे भी ले लेना मसला नहीं है मेरे भाई, अगर ये आपको मुनासिब होता है उधर दे देता है। बाकी ये नंबर 3 पे आपको ये जामर आपको ये दिखा रहा हूँ, आप ये भी नंबर 3 वाला भी जामर आपने चेक करना होगा, ये भी चीज़ मेरे भी आपने देखनी होगी। इसका भी आपने नकोड़ा इनका फेस मेरे भी आप इनका भी ये चेक करना होगा, ये चीज़ होती है मेरे भी। अच्छा ये मुंह से क्या है? दो दांत सारे दो दांत है। इसका वजन क्या होगा? अच्छा ये जो रेट है आपने बताना ना वो आपने यहाँ के ओरिजिनल रेट बताने ना, फेक नहीं बताने। और ये देखें ये सिंगों में आ रहा है माशाल्लाह, और ये भी माशाल्लाह तकड़े तकड़े जानवर मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे भी। अच्छा नस्ली जानवर मुझे लगता है सिर्फ इनके पास ही होते हैं, शायद साफ सुथरे जानवर होते हैं। आप व्यापारी हैं? व्यापारी है मेरे भाई, ये व्यापारी के पास मसला ये समझ लें, ये मंडी में जितने जानवर थे ये चुन लिए हैं जानवर इन्होंने, अच्छे अच्छे माशाल्लाह आप खूबसूरत। बाकी ये भी जानवर आप ये देखें माशाल्लाह, इसकी भी आपको तफसील पूछते हैं इनका क्या वजन है यार? 75 किलो। अच्छा मेरी बात सुने, अगर जो आप ये जो जानवर दिखा रहे हैं अगर ऐसा जानवर ईद पर लिया जाता कितने का होगा? ₹1,20,000 का। आप मुनासिब भी देंगे? मिलेगा वो साथ में पूछूंगा कीमत, ये डिमांड फिर भी ज्यादा कर रहे हैं। ये भी जानवर आप ये देखें, और ये भी जानवर देखें, ये कौन सी नस्ल है? ये नस्ल कौन से? मुंद्रा तो है यार, लाखे में आ रहा है ना, लाखे की क्या पहचान होती है? कहाँ पे होता है? 5 फीस। हाँ आँखों के साथ ये 2 और 3 और चौथा यही होता है, ये एक हो गया। अच्छा होते 3 है, कहते 5 है, 2 अपनी तरफ से होते हैं, और देखें 2 अपनी तरफ से होते हैं और ये 3 फेस होते हैं इनके, और इनके खूबसूरती में मेरे भाई देखें। अच्छा जो जानवर होता है ना जिसका नकोड़ा ब्रीक हो या मोटा हो वो इनके क्या फ़ायदा है? कौन सा नकोड़े वाला मोटा अच्छा जानवर बनता है? अच्छा अच्छा जो नकोड़ा जिसका जिसका नकोड़ा मोटापे में हो ना वो अच्छा ठीक होगा। आपके सामने मेरे भी नए बंदे हैं ना मेरे भी, यही नए बंदे के लिए वीडियो बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही तरह से मेरी बात भी समझ आ सके। आप यहाँ पे आए अगर आप मुनासिब रेट में इंशाल्लाह जानवर यहाँ से लेके, क्योंकि हम जिम्मेवार आदमी हैं मेरे भी, अगर कोई भी आपको जानवर लेके देंगे अगर कोई भी कहेंगे ऐप नुकसान जानवर जब महंगे ना वो जानवर आप मारा होगा वो पैसे आपकी अमानत होंगे। ये बाकी ये सारे लाट खड़ी अलहमदिल्ला सारी की लाट की इंशाल्लाह डिमांड लेते हैं, और ये क्या डिमांड करते हैं, इनका वजन क्या है, ये गुजरांवाला जो लेके जा रहे हैं कहाँ पर लेके जा रहे हैं? अच्छा यार इनकी डिमांड बताएं पूरी तादाद की, क्या डिमांड कर रहे हैं? अच्छा ये टोटल हैं कितने? हाँ जी 14 जामर खड़े हुए ना। अच्छा इनकी डिमांड बता दें यार, देखिए मेरी बात सुने, रेट वो बताएं जो यहाँ के ओरिजिनल रेट हो। जानवर बराबर तो नहीं है, कोई जानवर पा रहा है कोई हौला है। हाँ जो भैया मैक्सिमम पुट्ठा बना के बता दें हम, 1,30,000 कमी पेशी नहीं होगी इसमें। आप व्यापारी हैं जो आपके अपने हैं, आप व्यापारी हैं ना? अच्छा ये आपने झूठ नहीं बोला, बात करने सच में करने, जानवर व्यापारी से सस्ता मिलता है या गाँव के लोगों से सस्ता मिलता है? सही जो है ना व्यापारी से मिलता है। अच्छा जो गांव के लोग लेके आते हैं उनसे सस्ता नहीं मिलता? अनाड़ी होते तो दे देते हैं वो। अच्छा आप गांव के लोगों से लेते हैं जब व्यापारी से जाम लेते हैं? गांव के लोगों से नहीं लेते। अच्छा और देखिए मेरे भैया आपके सामने वो कहता है जो नया बंदा होता है गाँव के लोग आते हैं ना उससे मुनासिब मिल जाता है, मिल जाता है ना? तकरीबन कितना सस्ता मिलता है? 5-10,000 जमा सस्ता मिलता है।
ये तो जो परदेश से आते ना उनके लिए फायदा है या नहीं है? जब व्यापारी से लेके जाए फायदा है, देखे अगर जो गाँव के लोग आते हैं ना पार देख रहे 10,000 जमा सस्ता देते हैं, मिल जाते ना अगर ठीक है ना, ठीक मेरी बात सुना, गाँव के लोग आते हैं उन्होंने 10,000 जमा सस्ता देते हैं, पक्की बात देते हैं, ठीक है ना। अच्छा जो आप जो सेल करते हैं ना वो 2,000 रुपये कीमत मुनाफा लेते हैं? ठीक है, नहीं इधर की बात कर रहा हूँ मैं, 12,000 जमा ऊपर चला जाएगा ना, ऐसे ही है ना, गाँव के लोगों से 12,000 जमा सस्ता मिलेगा, व्यापारी से 12,000 जमा महंगा मिलेगा, मैं यही पूछ रहा हूँ बस। और देखें आपके सामने गाँव के लोगों से 12,000 खुद व्यापारी कह रहे हैं जमा सस्ता मिलता है, और जो व्यापारी होता है ना उससे थोड़ा जमा महंगा मिलता है। ये इनके वजन क्या होगा इनका? मैक्सिमम पुट्ठा बना के कितना बनेगा? 90-95 किलो इनका पुट्ठा बनेगा मेरे भाई। देखिए ये होते हैं मेरे भाई जो सीरियस वीडियो बना के देखा, ऐसे वीडियो कोई भी ना आपको बना के दिखाएगा ना ऐसे कोई तफसीर पूछ के आगे आपको बताएगा यार हाँ ऐसा रूटीन चल रही है आप इसी तरह के आके जामर खरीद लें। बाकी मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लग रही होगी, बाकी मजीद भी आके कुछ जामर आपको और भी मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो मुकम्मल देख रहे होगी मेरे भी बड़े बड़े और हैवी क्वालिटी के अलहमदिल्ला जामर खड़े हुए हैं बहुत, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेरे भी आपको जामर पसंद आएंगे, ये भी जामर अलहमदिल्ला खड़े हुए हैं। बाकी अलहमदिल्ला डेरा गाजी का मंडी और बड़ी मंडी है अलहमदिल्ला, कुर्बानी का सीजा लगाना है आप आगे मेरे भाई, मैं व्यापारी से लेके दूंगा, जिम्मेवार आदमी हूँ साफ बात है यार, जो इतना दूर आते हैं परदेसी भाई मैं उनके लिए सोचना चाहता हूँ मेरे भाई, 300 रुपये लेता हूँ मेरे भाई इनाम, उसमें मेरा हक है, मैं मेहनत करूँगा उसमें, मैं लड़ भिड़ के सौदा भी सस्ता इंशाल्लाह कराऊँगा, लेकिन वो मैं आपसे प्यार से क्या ज़बरदस्ती भी मैं आपसे लूँगा मेरे भाई 300 रुपया जो मेरा हक होगा। बाकी उम्मीद है मेरे भाई मेरी दो वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी मेरे भाई, अगर आपने मेरा चैनल यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप दोस्तों को गुजारिश कर दो चैनल भी मेरा सब्सक्राइब करें ताकि मजीद भी मैं आपको ऐसी दिलचस्पी से आपको जो दिखाता रहूँ, ठीक है मेरे भाई आप उम्मीद की इजाज़त, बाकी नेक्स्ट में इंशाल्लाह अपने भाई को बहुत ही जल्द मिलेंगे।